कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर किया जोरदार प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर यूथ कांग्रेस कुमाऊं मंडल अध्यक्ष किशोर कुमार के नेतृत्व में कालीनगर रोड पर पार्टी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान कई नेता बैलगाड़ी पर पार्टी का झंडा लेकर सवार हुए। बैलगाड़ी और रिक्शा पर भी कार्यकर्ता बैठे थे। दर्जनों कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष किशोर कुमार ने कहा, मोटरसाइकिल लेकर विरोध प्रदर्शन किया इस सरकार को बताने के लिए कि आज 70 सालों के इतिहास में पेट्रोल से ज़्यादा डीजल महंगा हो चुका है। अगर डीजल महंगा होता है तो उसका सीधा प्रभाव हर महंगाई पे पड़ता है, हर जरूरत की जो वस्तुएं हैं उस पर महंगाई पड़ता है। और आज के इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं है, ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, सिलेंडर के दाम बढ़ने से तो आम लोग ही है कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, उनके सामने रोजगार का संकट है। ऐसे में बीजेपी सरकार जो महंगाई कर रही है उससे उनके जो आने वाले समय में किस तरीके से अपना घर का राशन चलाएगी उसके सामने संकट पैदा होगा। डीजल को सबसे ज़्यादा महंगा कर दिया, पेट्रोल को महंगा कर दिया, इसका पूरा असर एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। अब हर चीज़ इस तरीके से देखी जाए तो फिर हर चीज़ महंगाई पे असर डाल रही है। आज हमारे क्षेत्र में चावल, गेहूं, अनाज हर तरीके से सब चीज़ महंगी हो चुकी है। अगर इसी तरीके से चलते रहा तो नरेंद्र मोदी जी ने वादा करा था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन का वादा झूठा था या फिर बातें में ही सिर्फ अच्छे दिन यही है जो इतने महंगाई कर दी है, हर गरीब की पेट पे लात मार दी है और बेचारा गरीब इस समय परेशान है। आम जनता के ऊपर इतना प्रभाव पड़ चुका है इससे कि आम जनता इतनी परेशान है कि अब वो क्या करे। अच्छे दिन का वादा किया था 2014 के चुनाव में, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी है कि आम आदमी बहुत परेशान है, गरीब खाना खाने के लिए परेशान है, रहने के लिए परेशान है, हर तरीके से परेशान है। पेट्रोल 80 रुपये, 81 रुपये ऐसे चल रहा है, इससे आम जनता की जेब पर फर्क पड़ता है। मोदी जी, आप जनता के बारे में नहीं सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। आपका नाम? मेरा नाम जिला संयोजक राघव सिंह है, मैं यूथ कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ।